दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका गुरु आरोग्या के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि मैं आपको आज बताने वाला हूं कि काले गोंद को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, कैसे उसको उसकी डोज तैयार की जाए। तो पिछले वीडियो में आपने बहुत सारी इंक्वायरीज मेरे पास आई, तो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी कि काले गोंद के बारे में क्या जानकारी है, क्या है काला गोंद, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर जाइए और आई बटन पर क्लिक कीजिए, वहीं पर भी आपको ये वो पिछली वीडियो आपको मिलेगी। दोस्तों बहुत सारे लोगों की एक इंक्वायरी थी मेरे पास कि काले गोंद को किस तरीके से आप इस्तेमाल करें, कितनी डोज लेनी है, क्या क्या आपको प्रिक्योशंस उसमें सावधानियां बरतनी है। तो सबसे पहले डोज कैसे बनानी है उसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप शाटिका पेन से परेशान हैं, अगर आप नर्व पेन से परेशान हैं, अगर आप मस्कुलर पेन से परेशान हैं, आपने बहुत सारी मेडिसिन्स इस्तेमाल करी हैं और फिर भी आपको आराम नहीं हो रहा, हो सकता है आपने अदर ब्रांड के बहुत सारे काले गोंद अपना इस्तेमाल कर लिए फिर भी आपको आराम नहीं मिला, तो आज ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। सही तरीका जानने के लिए आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें। अब बात करते हैं काले गोंद की। काला गोंद जो है हमारे पास से आपको एक क्रिस्टल फॉर्म में आता है, और जब वो क्रिस्टल फॉर्म में आता है तो उसके आप टुकड़ा कर लीजिए। टुकड़े टुकड़े करने के बाद में उसको एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखना है। एयर टाइट कंटेनर में इसलिए ताकि उस पर सनलाइट डायरेक्ट आए और उस पर मॉइस्चर एयर ना पड़े। अगर मॉइस्चर आता है, सनलाइट आता है, तो वो आपस में जो आपने उसको टुकड़े टुकड़े करे हैं वो दोबारा से अपनी बॉन्डिंग होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि गोंद है, गोंद तो उसके अंदर एक गमी टाइप तो होता ही है वो। जब वो गमी टाइप होगा तो आपस में उसने चिपकना शुरू कर देता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि काले गोंद को आपकी डोज क्या है। सुबह मॉर्निंग में जब भी आप ब्रेकफास्ट करते हैं, अब ध्यान रहे दोस्तों, ब्रेकफास्ट वो नहीं होना चाहिए जो आप चाय और दो बिस्किट खाते हैं, वो ब्रेकफास्ट नहीं होता। ब्रेकफास्ट का मतलब है आपका एक हेल्दी मील आप मॉर्निंग के वक्त जो लेते हैं, और लेने का सही टाइम है 9 बजे से पहले। 7 बजे से 9 बजे के बीच में ही आपने नाश्ता कर लेना है। अगर आप 11 बजे नाश्ता करते हैं तो वो नाश्ता नहीं होता, तो आपको ये चीज़ सुधारनी पड़ेगी अगर आप आयुर्वेद से बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो नाश्ते के ठीक आधे घंटे बाद, जो मैं विधि बताऊंगा आने वाले आगे कुछ मिनटों में, उस विधि से आपको उस डोज को बनानी है और उसके बाद उसको ड्रिंक कर लेना है। ऐसे ही रात के खाने में आपको आधे घंटे बाद, खाना खाने के, रात के खाने के आधे घंटे के बाद आपको उसी विधि से बनाना है, और उसी विधि से बनाने के बाद उसके बाद उसको ड्रिंक कर लेना है। अब बात आती है दोस्तों कि लोगों की इंक्वायरीज हैं कि हमें कितने दिन तक इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जनरली हमें आयुर्वेद जो है वो 90 दिन का समय मांगता है। आपकी बॉडी की एज डिपेंड करती है, आपकी इम्यूनिटी डिपेंड करती है, आपका जो पूरा ऑल ओवर बॉडी का सिस्टम है वो कितना अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है वो भी डिपेंड करेगा आपके पेन को रिकवर करने में कितना समय लगेगा। वैसे अप्रोक्सीमेटली मैं मान के चलता हूँ 3 महीना मिनिमम तो आपको इस काले गोंद को इस्तेमाल करना है। अब बात आती है दोस्तों कि हम लोगों की इंक्वायरी है कि असली और नकली काला गोंद कौन सा है। दोस्तों देखिए, असली और नकली काले गोंद की कोई भी पहचान साइंटिफिक तरीके से ज़्यादा नहीं कर सकते जब तक आप उसकी लैब टेस्टेड ना टेस्टिंग ना कराएं। फिजिकल टच करके, फिजिकल देख के नहीं कर सकते। या तो आप इस्तेमाल कीजिए, बेनिफिट हुआ नहीं तो असली है, नहीं हुआ तो नकली है। ये सारी मिथ जो बना रखी है यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे विद्वानों ने, मगर सिंपल सी बात है, अगर आपको बेनिफिट हुआ है तो वो असली है, अगर आपको नहीं हुआ है तो नकली है, ध्यान रहे। तो असली नकली की पहचान करना बड़ा टफ है, बट हमारा जो काला गोंद है वो स्पेशली लैब टेस्टेड है। साथ में गुरु आरोग्या के जो ऑफलाइन जितने भी लोग हैं, जितने पेशेंट हमारे पास आते हैं, जितनी टेलीफोनिक कंसल्टेंसी होती है, जिनको हम रिकमेंड करते हैं, उनके फीडबैक के अनुसार हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। मतलब हमारा 10% तो हम लोगों को कह सकते हैं, अगर 100 में से 10 लोग ऐसे हैं जिनको रिजल्ट नहीं आता। रीजन क्या है उसके पीछे, देखिए रीजन भी जरूरी जानना जरूरी है।
रीजन क्या है उसके पीछे? रीजन होता है पहली चीज कि उनका जो टारगेट है वो सही मायने में टारगेट कुछ और है और इस्तेमाल किसी और चीज़ के लिए कर रहे हैं। अगर आपके जैसे एग्जांपल, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बोला है, अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, हड्डियां आपके घिस जाती हैं, तो वहां पर काला गोंद उस हड्डियों को दोबारा बनाने में मदद कर सकता है, मगर वो दोबारा बनाए वो पॉसिबल नहीं है। उस केस में थोड़ा समय लग सकता है, उस केस में जैसे कार्टिलेज आपकी घिस चुकी है उस केस में थोड़ा सा समय लग सकता है। और क्योंकि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हर किसी को जल्दी से चाहिए, कोई भी काम जो जल्दी आज ही लो और आज ही आराम मिले। मगर दोस्तों आयुर्वेद आपको जल्दी का आराम नहीं देता है, क्योंकि वो चीज़ जड़ से ख़त्म करता है, रूट कोज पर काम करता है। तो अभी चलते हैं अपनी विधि पर। तो दोस्तों मैं अभी आपको दिखाता हूं कि काले गोंद को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। देखिए हमारा जो काला गोंद है वो इस तरह के बॉक्स में आएगा। यदि पैकेजिंग चेंज होती है या बॉक्स चेंज होता है तो वो समझ लीजिए कि वो हमारा काला गोंद नहीं है। उसकी क्या है खासियत, यहाँ पर हमारा सारा रजिस्ट्रेशन नंबर, ये बार कोड, ये QR कोड भी है। इस QR कोड से आप डायरेक्टली हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे जाते हैं और QR कोड हमारा जो होगा वो सिक्योरिटी के लिए है। इसके साथ साथ दोस्तों आप क्या करेंगे, ये इस बॉक्स के अंदर देख रहे हैं तो ये कुछ क्रिस्टल फॉर्म में आएगा, तो ये है इसकी क्रिस्टल फॉर्म। अब ये क्रिस्टल फॉर्म को मैंने थोड़ा तोड़ लिया, मतलब ये पॉलोथीन के अंदर ही मैंने इसको तोड़ लिया है, और तोड़ने के बाद में मैंने इसको हल्का 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 बारीक बारीक कर लिया। अब आप क्या कर सकते हैं, जब ये हैवी पत्थर में आता है तब इसको किसी, जैसे आप जो अदरक कूटने वाली जो चीज़ें हैं उसमें कुछ ही भारी चीज़ से आपको तोड़कर इस तरह का चूरा कर लेना। अब जब आपने ये चूरा कर लिया, आप इसको किसी भी कंटेनर के अंदर, जो एयर टाइट कंटेनर है उस कंटेनर के अंदर आप इसको रखना है, और आपको अंदाजा कितना लेना है। अब आपको जब एक डोज बनानी है तो सबसे पहले देखिए ये ग्लास है, इस ग्लास के अंदर मैंने लगभग 200-250 ml मैंने पानी लिया है। आप के जो पानी है वो अपने पीने के अनुसार ले सकते हैं, मिनिमम वैसे 100 ml पानी लेना है और ये गर्म पानी है। अब आपने क्या करना है, इस स्पून से ध्यान रहे स्पून जो है ड्राई होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली इसको इतना अंदाजा देखिए 2 gram के आसपास, एक अंदाजा है, मतलब 2 gram के आसपास आपको इतना लेना है, 2 gram आपको गिलास में डाल देना है और डालकर इसको, ये देखिए इसका तुरंत ये कलर ये चेंज होने लगा। अब ये जो है, ये जो काला गोंद इसके अंदर जो मिक्स हो गया है, इसका जो पानी है उसका कलर चेंज हो गया है, साथ में जब ये ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद में इसको आप ड्रिंक कर लें। जब ये ड्रिंक करेंगे आप तो ये नॉर्मल होना चाहिए। और दोस्तों खाना खाने के आधे घंटे बाद, मैंने आपको बताया खाना खाने के आधे घंटे बाद इसको आप ड्रिंक करना है। ड्रिंक करने के बाद में इसको आप पूरी तरह, जब तक सारा जितना भी काला गोंद है वो टोटली मिक्स हो जाएगा, या टोटल मिक्स हो जाएगा, उसके बाद आप सादा पानी भी पी सकते हैं। सादा पानी पीने के बाद आपका ये डोज जो है वो कंप्लीट हो जाती है। बाकी अब ये रहा काला गोंद जो कि क्रिस्टल फॉर्म में आता है, इसको तोड़कर आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांध रहे हैं, मिक्सी में पीस कर, आपको मिक्सी में पीसेंगे तो ज़्यादा हार्ड होता है तो पता चला कि आपके मिक्सी का जो ब्लेड है वो भी ख़राब होने के चांस होते हैं। तो आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांध के फिर मिक्सी में अगर आप पीसेंगे, फिर इसको कंटेनर में रख दें, और एयर टाइट कंटेनर में रखना है, और जिसमें मॉइस्चर से बचाना है, और आपको बचाना है ज़्यादा इसको धूप से, डायरेक्ट सनलाइट में इसको ना रखें। तो ये तो है दोस्तों इसके सुबह और शाम की डोज। तो दोस्तों देखा आपने कि काले गोंद का जो बनाने का तरीका है बिल्कुल सिंपल है। यदि आप हमारा हिमानिया का काला गोंद खरीदते हैं, काला गोंद खरीदने के लिए आप मीशो पर जा सकते हैं, बट ध्यान रहे ब्रांड और सेलर गुरु आरोग्य ऑफिशियल सेलर हो, ब्रांड हिमानिया हो। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप हमारे Amazon चैनल से ख़रीदते हैं तो, या Flipkart चैनल से ख़रीदते हैं तो वहाँ से जब आप ख़रीदते हैं तो हमारे आपकी एक डिटेल मिलती है, हमें एक ट्रैकिंग या एक ऑर्डर आईडी मिलती है। तो जब वो ख़रीदें
अगर आप मेरी कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, हमसे कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो उस ऑर्डर आईडी को, ऑर्डर नंबर को हमसे आप शेयर करें, स्क्रीनशॉट शेयर करें, या डायरेक्ट वो ऑर्डर नंबर हमारे व्हाट्सएप पर शेयर करें। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको स्क्रीन पे आ ही रहा है। फेसबुक का लिंक आपको, फेसबुक का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं, ये कुछ प्रिकॉशंस हैं, मैंने आपको ये बताई इस वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं, अपने परिवार के साथ साझा करें। अगर आप पहली बार हैं हमारे चैनल पर, इस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक काम तो ज़रूर करना पड़ेगा आपको कि हमारे बेल आइकन को भी जब दबाना पड़ेगा, ताकि मेरे द्वारा जितनी भी वीडियो आप तक पहुँचती हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।